स्वागत है आपका हमारे चैनल ESZ चेयर मैन्युफैक्चरर में। तो आज जो है हम एक चेयर का इशू देखेंगे कि चेयर आपकी जब हम यूज करते हैं तो चेयर बार बार आपकी एक एक तरफ इधर उधर होने लग जाती है, ऐसे वॉबल करने लग जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है? तो मेन दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये होता है आपका कि ये जो प्लेट दिख रही है ये ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने पे कैसे उसको रिजोल्व करना है उसके लिए आई लिंक पे बटन आ रहा होगा, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है? हाइड्रोलिक का रीजन होता है। ये जो हाइड्रोलिक है आपका ये टूट जाता है। अभी टूटता कैसे है और क्या है उसको पहले देख लेते हैं। पहले हाइड्रोलिक में अलग से आपको दिखाता हूँ। ये हाइड्रोलिक होता है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपका आयरन वाला है। ये जो मैंने नेल्स रखा है ना इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है वो प्लास्टिक का होता है। यहाँ से नेल से नीचे नीचे ये वाला पोर्शन वो आपका आयरन होता है और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका प्लास्टिक होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा प्लास्टिक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये जैसे मैं चेयर अभी नीचे करता हूँ, मिनिमम पे करता हूँ। अभी तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा है क्योंकि हाइट अभी ऊपर है। अब इसको मैं मिनिमम पे करता हूँ, मिनिमम पे कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है ये देखिए, ये जो लोहे वाला पोर्शन है अगर मैं इस पर बैठूंगा और थोड़ा प्रेशर लगाऊंगा तो ये जाके इस प्लास्टिक पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। या अभी नया है ये हाइड्रोलिक तो पूरा नीचे भी नहीं जा रहा है तो, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है तो और नीचे जाता है और ये प्लास्टिक पे हिट करता है। तो अब इस प्लास्टिक पे हिट करता है तो क्या होता है, बार बार हिट होने की वजह से प्लास्टिक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम यूज करें तो हल्का सा ऊपर रहने दें, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, बस इतना इतना थोड़ा सा ऊपर रहने दें, उसको एक दो इंच ऊपर जो है रहने दें ताकि जब भी हम बैठे, वेट से भी लगा के कोई बंदा बैठे तो वो प्लास्टिक से जाके स्ट्राइक ना हो जिससे वो टूटे ना। अब मैं दिखाता हूँ टूटने के बाद वो दिखता कैसे। तो पूरा हाइड्रोलिक अलग से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये नया हाइड्रोलिक है जहाँ पे ये प्लास्टिक वाला बटन, वो प्लास्टिक वाला पोर्शन है और ये हाइड्रोलिक है जिसका वो प्लास्टिक वाला जो पार्ट है वो टूट गया है उसी रीजन की वजह से। ये हाइड्रोलिक नीचे करने की वजह से जिससे लोहे वाला पोर्शन जो है प्लास्टिक से टकराता है और वो उसको तोड़ देता है। तो तोड़ने की वजह से इसमें प्लास्टिक जो टूट जाता है तो जिसकी वजह से ये आपका ऐसे मूव करता है जिसकी वजह से चेयर आपकी डिसबैलेंस होती है। तो ये रीज़न होता है जो आपका हाइड्रोलिक टूटने का रीज़न है। तो इसकी कोई भी गारंटी वारंटी कोई भी नहीं दे सकता है क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं उसको तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब भी आप यूज़ करें हाइड्रोलिक तो उसको एक दो इंच ऊपर रहने दें। अब आप जो मर्जी करो नहीं टूटेगा वो, ठीक है। अब आप खुद भी देखिए ये टूटेगा कहाँ से, जब तक इस पर कुछ स्ट्राइक नहीं हो जब तक तो टूटेगा नहीं। तो ये रीज़न है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप क्या जो एक्स्ट्रा खर्चा है उससे बच सकते हैं, ठीक है। बाकी ये था, और भी चेयर के में कोई इशू लग रहा है आपको, कोई और है तो उसके लिए भी आप आई लिंक पे देख सकते हैं वीडियो चेयर पार्ट्स और आप वो उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई भी चेयर के बारे में आपको जानना है या फिर जो चेयर पे मैं बैठा हूँ ये आपको बहुत बढ़िया लग रही है तो इसके बारे में भी जानना है तो आई लिंक पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।